अस्सलाम वालेकुम. दिस इज़ एपिसोड नंबर 2 ऑफ पेरेंटिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हमारी यूट्यूब सीरीज़ पे, कि व्हाट नॉट टू डू एज अ पेरेंट, कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी इंसान होते हैं और दे कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स. मगर होता ये कि मोस्टली या तो हम अपनी गलतियों का हमें एहसास नहीं होता, और अगर हो जाता है तो हम उनको मानते नहीं हैं, और अगर हम मानेंगे नहीं तो हम उनको सुधारेंगे कैसे. और पेरेंटिंग मिस्टेक्स का मसला ये होता है कि इट्स डन एक स्टेज में, और उसके बाद आपके पास उसको सुधारने का टाइम नहीं है, क्योंकि गलती तो हो चुकी है और वो उस बच्चे की पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी है, राइट. तो अब आप क्या करें. तो यही है इस सीरीज़ का मकसद. और मैं हूँ फरहीन, और मैं आपको आपसे ये कुछ टिप्स शेयर करूँगी. मैं पेरेंटल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ लर्निंग से मैं कुछ अपने टिप्स और पॉइंट्स आपसे शेयर कर सकती हूँ, जो कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे टू मैनेज योर मिस्टेक्स. उनको आप किस तरह से अपनी गलतियों को सुधारें या मैनेज करें, और या ये जानें कि आप सुधार सकते भी हैं कि नहीं, ठीक है. तो कि गलतियाँ, क्योंकि सब लोग करते हैं, पेरेंट्स भी गलतियाँ कर सकते हैं क्योंकि वो भी इंसान है. सही है, आई जस्ट सेड दैट. तो आज जो हम जिस बारे में बात करेंगे वो ये है कि लास्ट मेरी वीडियो में मैंने बात की थी अबाउट थ्री स्टेजेस ऑफ पेरेंटिंग, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज थी वो थी 1 to 7 ईयर्स, जिसके बारे में आज मैं बात करने की कोशिश करूँगी. कि इस पहले 7 साल जो किसी भी बच्चे की ज़िंदगी के होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. दे आर द फाउंडेशन. उसके ऊपर पूरी, जिस तरह फाउंडेशन घर के लिए, इमारत बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है, तो वो एक अच्छी बिल्डिंग जो है वो रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है. तो इसी तरह अगर बच्चों की अपब्रिंगिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, विच इज़ देयर फर्स्ट 7 ईयर्स, जो कि पहले 7 साल हैं, वो उनके स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ही जो है वो एक अच्छा उनके अंदर पोटेंशियल होगा एक अच्छे इंसान साबित होने का, ठीक है ना. तो इसलिए पहले 7 साल जो होते हैं वो सबसे मुश्किल करार दिए जाते हैं, क्योंकि एक तो बच्चा डिमांडिंग बहुत होता है, पेरेंट्स को एनर्जी बहुत चाहिए होती है, स्पेशली अगर आपके पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा न्यू पेरेंट्स है, आपको पता नहीं है क्या करना है. तो हम सब कॉन्शियसली वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमने अपने बड़ों को करते देखा होता है, और हमें लगता है कि वही सही है. लेकिन फिर जब बाद में पता चलता है कि वो सही नहीं था, तो फिर हम सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. बट एनी वे, मैं आज आपको 3 टिप्स दूंगी कि हमें इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है. तो जो पहली चीज़ है वो जिस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट्स एंड क्या उसे कहते हैं, कुछ लर्निंग, क्योंकि मेरे अपने आई हैव 3 किड्स, जिसमें से 1 इज़ अंडर 7 एंड 1 इज़ अंडर 14 एंड द अदर 1 इज़ अंडर 21, जो कि हमारी 3 स्टेजेस मैंने डिस्कस की थी, 7, 14, 21. सो राइट नाउ आई एम the prime example of somebody who is dealing with 3 different brains, one under 7, one under 14 and one under 21. Ab how am I dealing it, ye to waqt hi batayega, lekin that is a lot of work. बहुत मेंटल एनर्जी लगती है कि बच्चों की एहसासात, उनके जज्बात को जो है नुकसान ना पहुंचे और वो हर्ट ना हो वाइल वी आर पेरेंटिंग दैम. मगर होता बहुत दफ़ा ऐसे है कि हमें गुस्सा आ जाता है और हमारी पर्सनालिटी टेक्स ओवर एंगर की या हमारी नेगेटिविटी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत मुतासर होते हैं. मगर पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पॉइंट जिसको हमें मद्देनज़र रखना है फॉर फर्स्ट 7 ईयर्स इन बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड, इज़ कि हम जो रूल्स अपने घर में लगा रहे हैं उनके ऊपर, उनको लिमिटेड रखें. एक बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डाल दें रूल्स का, कि हर वक्त उसने क्या करना है. उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबली पालें. अगर कोई गलतियां वो कर भी देता है, उसको झिड़के नहीं, उसको डांटे नहीं, उसको अपने साथ इन्वॉल्व करें और गलतियों की, बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करें और उनको डिस्ट्रैक्शन से सिखाएं, बजाय इसके कि उनकी गलतियों को हाईलाइट करें कि तुमने ऐसा गलत किया, आइंदा ऐसे मत करना. तो उससे जो है ना, उनका कॉन्फिडेंस मर जाता है और वो फिर बहुत टिमिड और क्या कहना चाहिए, दब के रह जाते हैं बच्चे. और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब एक घर में एक से ज़्यादा बच्चा है, 3-4 बहन भाई हैं, तो जो ओल्डर सिबलिंग्स होते हैं, बड़े बहन भाई बच्चों को दबाते और ज़्यादा हैं, ठीक है. पेरेंट्स को पता नहीं होता, अब हर वक्त कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के साथ तो नहीं रहता ना. तो ये ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगाना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि पर्सनैलिटी जो है किसी भी बच्चे की इफ़ेक्ट या डैमेज ना हो. फिर नंबर 2 चीज़ ये है कि यूज़ मिनिमम फोर्स, कि आपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना.
तो अगर आप उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, फोर्स करेंगे, तो वो उस वक्त आपके सामने तो वो चीज़ कर लेगा, लेकिन फिर उसको पता चल जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा कि जब तक उसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं किया जाएगा वो करेगा नहीं. तो आगे जाके उसको बहुत मुश्किल होगी ख़ुद इनिशिएटिव लेने की, ख़ुद वो काम करने की. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इस बात पर असेस करें कि हम बच्चों पर कोई चीज़ें फोर्स या इम्पोज तो नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहे, बगैर वजह के ये तो नहीं कह रहे कि बस हमने कह दिया और कर लो, राइट. तो उसको जो अगर आप बच्चों को चीज़ें एक्सप्लेन, थोड़ा सा टाइम दें, चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अगर आप उसको बोल रहे हैं कि वो दांत ब्रश करें रोज़ सुबह उठ के, लेट्स से, बिकॉज दैट इज़ अ वन हैबिट जो कि आपको फर्स्ट 7 ईयर्स में डेवलप करनी होती है बच्चे की, तो उसको साथ बताएं कि ये क्यों ज़रूरी है, किस लिए करते हैं, एग्जांपल्स दें ताकि उसके दिमाग में ये बात बैठे, और फिर वो आपसे ना क्वेश्चन करेगा ना कुछ, उसको समझ आ जाएगी. बिकॉज किड्स आर वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट होते हैं, दे आर स्पॉन्जेस, वो हर चीज़ स्पंज की तरह जो है किसी भी स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको जो है ये बातें सिखाएं और बचपन से बताना शुरू करें ताकि वो उनके अंदर बैठ जाएं, ठीक है. और जो लास्ट चीज़ है वो नंबर 3 पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी गलती, कि अगर बच्चे के सामने हमसे कुछ गलती हो गई है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ईगो की बात नहीं है कि आप बच्चे को बताएं माँ बाप गलत नहीं हो सकते. तो बच्चे को बताएं माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, उनसे अपोलोजाइज कर लें उनको, ताकि उनको ये ना लगे कि सिर्फ वो ही गलत होते हैं और माँ बाप कभी गलत नहीं होते. तो अपनी गलती जो है बच्चे के सामने एडमिट करें और उसको बताएं कि हमसे गलती हो गई, सॉरी, आइंदा वील बी केयरफुल, ताकि उससे बच्चा ये सीखेगा कि गलती एक्सेप्ट कैसे करनी है और उसको आगे से हमने गलती को ठीक कैसे करना है नेक्स्ट टाइम. तो उसको करके दिखाएं और फिर उसको वापस में रिमाइंड कराएं कि देखा मुझसे पहले गलती हो गई थी, अब मैंने ऐसे किया है, तो वो उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी चीज़. तो ये 3 पॉइंट्स अगर हम अपने अंदर ला सकते हैं इन रेजिंग आर किड्स फॉर द फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, तो उससे ये होगा, मतलब हैं तो बहुत सारी चीज़ें, आई एम श्योर देयर आर सो मेनी थिंग्स कि हम चाहते हैं हमारे बच्चों में ये आदतें हों, ये सब चीज़ें हों, लेकिन अगर मैं ये समझती हूँ कि ये जो मैंने अपने तजर्बे से सीखा है या लोगों को देखा है कि अगर ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं कि हम उनके ऊपर लिमिटेड रूल्स लगाएं और हम फोर्स नहीं करें उनके ऊपर चीज़ें, और तीसरी कि अगर गलती हो जाए उसको एक्सेप्ट करें बच्चों के आगे बचपन से, ये बहुत ज़रूरी है, उनको सिखाएं कि गलती एक्सेप्ट कैसे करते हैं और माफ़ कैसे करना चाहिए. अगर बहन भाइयों में भी लड़ाई हो रही है तो आप उसमें बता सकते हैं कि कोई बात नहीं, भाई से गलती होगी, बहन से गलती होगी, लेट इट गो. तो ये आप उनको चीज़ें सिखाएंगे तो वो सीखेंगे. सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अदर देन दैट, मतलब आई नो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये 3 पॉइंट शेयर करना चाहती थी. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जो भी सब लोग अपने कमेंट्स में, मैसेजेस में इतनी चीज़ें शेयर करते हैं, मुझे बताते हैं कि मैं क्या सही और क्या गलत कर रही हूँ, जिससे मैं सीखती हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया. और जो ये मेरी पेरेंटिंग की सीरीज़ पसंद करने के लिए शुक्रिया. और कीप वॉचिंग, कीप आस्किंग योर इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ताकि हम जो है इसको आगे बढ़ाते रहें, इसी तरह सीखते रहें. और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं बात करूंगी इंशाल्लाह ऑन द सेकंड स्टेज, जो कि 7 से 14 ईयर्स तक की बच्चों की होती है. और आप ज़रूर शेयर करें कि अगर आप लोगों को कोई ऐसे चैलेंजेस मिल रहे हैं इन रेजिंग किड्स, ताकि उस एग्जांपल से को हम सामने रख के जो है उस सिचुएशन को बेहतर बना सकें. तो अनटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डू व्हाट मैटर्स टीवी. और ज़रूर अपने जो है ख्यालात जो हैं वो मेरे से शेयर करते रहें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू देम. तो मिलते हैं नेक्स्ट वेंसडे को, वाओ वेंसडेज, विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ व्हाट नॉट टू डू. तो आज हमें पता चल गया कि हमें और क्या नहीं करना चाहिए फॉर द स्टेजेस अंडर, फॉर द एजेस अंडर 7. और नेक्स्ट वीक हम पता लगाएंगे कि 7 to 14 में क्या नहीं करना चाहिए. अल्लाह हाफिज़.